आईपीएल शुरू होने में भले कुछ ही वक्त शेष हो, लेकिन टीमों की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्लेयर्स के इंजर्ड होकर बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच सबसे बड़ा झटका तो केकेआर यानी दो बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर को लगा है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। हालांकि अभी तक टीम की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि वे कम से कम आधे आईपीएल से तो बाहर हो ही जाएंगे। हालांकि टीम की कमान किसके पास होगी इसको लेकर अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। ये तो रही श्रेयस अय्यर की बात, लेकिन टीम की टेंशन इतनी भर नहीं है। अब पता चल रहा है कि टीम के स्टार तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन भी आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। उनके बारे में तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन मुश्किल तो खड़ी हो ही गई है। पता चला है कि केकेआर के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से पूरे आईपीएल से तो बाहर नहीं होंगे, लेकिन शुरुआती कुछ मैच जरूर मिस कर सकते हैं। इस बारे में न्यूजीलैंड के गेंदबाज कोच शेन जुर्गेंसन ने कहा है कि ऑकलैंड में एक मैच खेलने के दौरान उन्हें कुछ दिक्कत हुई थी। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 25 मार्च को होने वाले मैच से भी लॉकी फर्ग्यूसन को बाहर होना पड़ा है। इससे केकेआर की मुश्किल बढ़ सकती है। आईपीएल 2022 में लॉकी फर्ग्यूसन ने शानदार गेंदबाजी की थी और सबसे तेज बॉल भी डाली थी। वैसे तो केकेआर के पास विदेशी तेज गेंदबाज के रूप में पैट कमिंस और टिम साउदी भी हैं, लेकिन जिस गति से लॉकी फर्ग्यूसन गेंद डालते हैं उतनी स्पीड से और कोई नहीं डालता। गेंदबाजी कोच ने कहा कि आईपीएल से पहले उन्हें श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलना था, लेकिन अब वे उससे बाहर हो गए हैं। लॉकी फर्ग्यूसन पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वे शुरुआत में ही टीम के लिए विकेट निकाल देते हैं।